मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी घोषित किया है अरविंद केजरीवाल जी ने। कांग्रेस की नजर इस बार बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले कुछ सीटों पर है, जिसमें से एक सीट है रुद्रप्रयाग की, जहां इस बार कांग्रेस जीत की जुगत में लगी है। लेकिन कांग्रेस की राह इतनी आसान नहीं है, टक्कर तगड़ी हो सकती है। रुद्रप्रयाग सीट पर कांग्रेस ने साल 2012 में जीत दर्ज की थी। उस समय हरक सिंह रावत ने कांग्रेस के टिकट पर बीजेपी के माधवर सिंह कंडारी को हराया था। यदि इस जीत को छोड़ दिया जाए तो राज्य बनने के बाद से ही इस सीट पर कांग्रेस की राह आसान नहीं रही। इसका बड़ा कारण टिकट बंटने के साथ पार्टी में फूट भी पड़ गई। इस बार भी कांग्रेस के हालात कुछ अच्छे नहीं है। कम से कम 6 नेता पार्टी से टिकट पाने के लिए ताल ठोक रहे हैं। 2022 में मैं विकास खंड जखोली का ब्लॉक प्रमुख होने के नाते और इस विधानसभा के सबसे ज्यादा बूथ विकास खंड जखोली के हैं, इसलिए मेरी दावेदारी प्रबल माने जाती है। मुझे पार्टी से पूरी आशा है, क्योंकि पार्टी ने जब 2017 का टिकट मिला था उस समय भी एज ए महिला होने के नाते और दमंग महिला होने के नाते मुझे टिकट दिया था। और माननीय हरीश रावत जी ने भी कहा है कि आप दमंग महिला हैं और उत्तराखंड में हमारे पास दमंग महिला नहीं है, तो आपका टिकट फाइनल है। मेरी योग्यता का आकलन तो पार्टी करेगी ना। अगर वो सोचती है कि माधवर सिंह कंडारी यहाँ रुद्रप्रयाग में जिस प्रकार से विकास की गंगा पहले बहाई थी, फिर माधवर सिंह कंडारी विकास की गंगा बहा सकता है, हो सकता है मुझे टिकट दे दे। रुद्रप्रयाग सीट हमेशा से बीजेपी का गढ़ रही है और 2017 के चुनाव में एक बार फिर बीजेपी ने ये सीट कांग्रेस से हथिया ली। वहीं कांग्रेस को लगता है कि इस बार सरकार और यहाँ के विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेसी फैक्टर का लाभ उठाया जा सकता है। नहीं, प्रत्याशियों की भरमार यही नहीं है, कांग्रेस की ओर तमाम ऐसे लोगों का रुझान बढ़ता चला जा रहा है। कांग्रेस में युवा भी प्रत्याशी हैं, महिला भी प्रत्याशी हैं, बुजुर्ग भी प्रत्याशी हैं, तरह तरह के प्रत्याशी हैं। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस में प्रत्याशी बनने के लिए आपसी द्वंद्व भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की बड़ी चुनौती बीजेपी के गढ़ में जीत से कहीं ज्यादा पार्टी को एकजुट रखना है, क्योंकि चुनाव में जाने से पहले ही पार्टी बिखरी तो सीट जीतना आसान नहीं होगा। न्यूज 18 के लिए रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट।